आईआईटी रुड़की के राधा कृष्ण मैस में चूहे निकलने से आईआईटी प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम आईआईटी रुड़की पहुंची और मैस के अंदर खाने और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। आईआईटी रुड़की के राधा कृष्ण भवन की मैस में खाने के सामान में चूहों के वायरल वीडियो के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम आईआईटी रुड़की पहुंची। टीम ने मैस के अंदर खाने और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए और साथ ही सैंपलों की जांच के लिए लैब भेज दिया। इसके अलावा टीम ने संस्था को चूहों से निपटने के लिए निर्देश भी दिए। आईआईटी रुड़की के राधा कृष्ण भवन की मैस में दोपहर का खाना बना हुआ था। इस दौरान छात्र खाना खाने के लिए मैस पहुंचे थे तो उन्होंने किचन में जाकर देखा तो चूहे खाने में उछल कूद कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने इसका वीडियो भी बना लिया और हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों ने संस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों के खाना बनाने वाले कर्मचारियों के साथ जमकर बहस हुई। सुर्खियों में आया, मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये ऐसे ऐसे वहाँ पे बच्चों ने शिकायत की है जिसपे की जो कैंटीन है उस पर खाना जो है सही तरीके से उसको बच्चों को नहीं परोसा जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम लोग आज कैंटीन पहुँचे पूरी टीम के साथ और हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया है और जो भी शिकायत थी उसपे उस आधार पर हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया है। जिस टीम बनाई है उस पर हमने योगेंद्र पांडे हरीश चौधरी जी रुड़की को इंस्पेक्शन अधिकारी नियुक्त किया है। वो जैसे भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर हमने अग्रिम कार्यवाही करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।